हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 पढ़ूंगी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। बच्चों, इसमें मैं आपको बेसिक सिखाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता किसे कहते हैं। देखिए, प्रायिकता का मतलब, प्रोबेबिलिटी का मतलब सरल शब्दों में समझें तो किसी घटना के घटने की संभावना को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी घटना के या इवेंट के घटने की संभावनाएं जितनी बनती है वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी। अब उसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है ना, गणितीय रूप में। तो बेटा देखिए, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। E का मतलब इवेंट, कोई घटना, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी को ऐसे बताते हैं। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E का मतलब इवेंट, किसी इवेंट के होने की संभावना प्रोबेबिलिटी कहलाती है और उसे कैसे बताते हैं, PE से। अब बेटा, किसी घटना के घटने की संभावना पीई से बताते हैं, तो न घटने की संभावना कैसे बताते हैं। देखिए, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और ई का मतलब कोई घटना, इवेंट। ये घटने की प्रोबेबिलिटी है, तो न घटने की प्रोबेबिलिटी कैसे, बार लगा दो, इस तरह से बताते हैं। तो ये क्या हो गया, E का मतलब घटना या इवेंट, उसके घटने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। E का मतलब इवेंट या घटना, उसके न घटने की प्रोबेबिलिटी। आप ध्यान दीजिए, ऊपर आड़ा डंडा बनाया है, मतलब न घटने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। अगर आपको पीई निकालना है, पीई निकालना है मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है इस फॉर्मूले से, तो कैसे निकालोगे, देखिए ये प्लस का है उधर गया, माइनस का हो गया, ठीक है। इसका मतलब आप इस फॉर्मूले से पीई निकाल सकते हो, लेकिन कब, जब आपको न घटने की प्रोबेबिलिटी पता हो उस इवेंट की, मतलब पीई बार पता, ठीक है। अब यदि आपको इसी फॉर्मूले से ये निकालना है ना, तो इसको यही रख लेते हैं, ये प्लस का है बन के उधर ले गए, माइनस का हो गया, ये ऐसा। तो क्या, अगर आपको किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कैसे निकालोगे, 1 में से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी घटा के। तो टोटल फॉर्मूले कितने हो गए, दिखने के लिए कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3, लेकिन रियल में एक ही फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, मेरे कहने का मतलब इस तरह से, ये मैंने क्या लिखा, इसका मतलब तो आपको मैं बता चुकी हूँ। ई का मतलब इवेंट या घटना, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो बेटा इसका मतलब समझो पहले, क्या है इसका मतलब, इसको हटा के बात करते सबसे पहले, है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जहां मुंह खुला है वो वैल्यू बड़ी होती है। ये जो साइन है ना, इसका इधर की तरफ मुंह खुला, यहाँ तो पैक हो गया आगे, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। ये जो पॉइंट है बेटा, जिस तरफ होगा वो वैल्यू छोटी होती है, तो ये कितनी होगी, बड़ी होगी। जिस तरफ ये पॉइंट होगा वो वैल्यू छोटी होती है, तो ये क्या होगी फिर, बड़ी, ठीक है। अब सुनिए, प्रोबेबिलिटी का जो मान निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और फिर देखो एक और साइन लगाइए, या फिर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होगी, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के क्या होगी, इक्वल होगी, ये बात होगी। अब इस पे आते हैं, अब इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों की बात मैंने कर दी, अब इन दोनों की पहली बात, अब ये दूसरी बात।
इसमें क्या है, इसमें है बेटा, इस साइन को हटा के बात करते हैं, जिस तरफ ये पॉइंट होता है वो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, तो ये क्या होगी बेटा, बड़ी। ठीक है, अब सुनो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की, किसी घटना की, वो हमेशा एक से क्या होगी, छोटी होगी, एक से छोटी होगी, या फिर क्या होगी, ये देखिए दूसरा, या फिर इक्वल होगी। दूसरा साइन भी अप्लाई कर दिया, तो बेटा आपसे जनरली ऑब्जेक्टिव में या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में ये पूछा जाता है, इसे बहुत और बहुत अच्छे से समझ लो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, जीरो से क्या होती है, बड़ी, या फिर क्या होगी, इक्वल होगी, या फिर दूसरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी वन से छोटी या फिर इक्वल होगी। ठीक है, इस तरह से प्रोबेबिलिटी इनके बीच में क्या होती है, रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, ये है E का मतलब इवेंट और P का मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता, वो क्या है बेटा, PE, है ना। अब मैं क्या लिखती हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल केस और टोटल नंबर ऑफ केस, ये क्या लिख दिया मैं भैया, फेवरेबल केस मतलब कोई भी घटना है उसके घटने की जो कुल तरीके होते हैं, कुल संभावनाएं होती हैं, वो कहलाती है फेवरेबल केस। हम जो क्वेश्चन में चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, वो सब कहलाते हैं फेवरेबल केस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि किसी सिक्के को मैंने उछाला और मैं चाहती हूँ हेड आए, तो उसकी संभावना कितनी हुई, मैं चाहती हूँ हेड आए, मतलब फेवरेबल केस कितना हो गया, एक। टोटल केस कितने होंगे, दो, क्योंकि मैं हेड चाहती हूँ, टेल भी तो आ सकता है, तो हेड और टेल मिलके दो केस बन गए, तो टोटल केस हो गए दो, तो आपकी प्रॉबिलिटी आ गई ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये अनुकूल घटनाओं की संख्या है बेटा, और ये कुल घटनाओं की संख्या है। अनुकूल का मतलब हम जो चाहते हैं वो हो, और कुल का मतलब क्या हुआ, टोटल का मतलब हम जो चाह रहे हैं वो भी, प्लस हम जो नहीं चाह रहे हैं वो भी, दोनों मिल गए। बच्चों ऐसी घटनाएं जो श्योर हो, निश्चित हो कि होना ही है, उनका होना निर्धारित हो, तो ऐसी घटनाएं जो श्योर हो, निश्चित हो या निर्धारित हो, उनका होना ही तय हो, तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है। इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक बॉक्स है, उसमें 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के रखे, मैं उस बॉक्स में हाथ डालती हूँ, 1 रुपए का सिक्का निकालना चाहती हूँ, बताओ संभव है, निकलेगा कैसे, निकलेगा, 5 और 2 रुपए के कॉइन रखे थे, मुझे 1 रुपए का सिक्का निकालना है, क्या संभव है, नहीं है। इसका मतलब ये जो इवेंट या घटना मैंने आपको बताई, ये असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो बेटा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रॉबिलिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। कॉम्प्लीमेंट इवेंट होते क्या हैं, पूरक घटनाएं होती क्या हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, तो उसका उल्टा बोलिए, आज बारिश नहीं होगी, तो मैं आपसे कहूँ कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बेटा ये है, PE है, है ना, तो बारिश न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी, तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की और ये प्रोबेबिलिटी है बारिश न होने की। ठीक है, तो ये जो इवेंट है उल्टा, मैं चाह रही हूँ बारिश हो लेकिन नहीं हो, तो प्रॉबिलिटी यदि हम नहीं होने की निकालेंगे, तो ये जो उल्टा इवेंट है, पूरक घटना,
कॉम्प्लीमेंट इवेंट, हम जो चाह रहे हैं वो ना हो, ठीक है। किसी इवेंट के होने की प्रॉब्लिटी की उल्टी प्रॉब्लिटी आप जब निकालते हो वह कहलाती है पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहलाता है। और इस तरह के इवेंट को कैसे निकालोगे? वन में से आप इवेंट की जो प्रॉब्लिटी है उसे आप क्या करो, घटा दो, तो इस तरह से वो क्या होगी, निकल आती है। अब हम जानेंगे कि सम प्रायिक घटना इक्वल लाइकली इवेंट होता क्या है। बेटा हिंदी के यदि आप शब्द को पकड़ोगे तो पूरी की पूरी बात समझ जाओगे। हिंदी के शब्द पकड़ते हैं, सम, सम का मतलब क्या होता है बेटा, समान, ठीक है। प्रायिक मतलब प्रायिकता, बस हो गया। समान प्रायिकता रखने वाली घटनाएं सम प्रायिक घटनाएं होती हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी समान हो। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी समान हो वो क्या कहलाती है, इक्वल लाइकली इवेंट कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल दें, मान लो एक ही परिवार है, उसमें किसी बच्चे का जन्म होता है तो लड़का होने की संभावना 1/2, लड़की होने की संभावना 1/2, मतलब 50-50% संभावना है। प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब क्या है बेटा, इवेंट इक्वल लाइकली इवेंट, सम प्रायिक घटना। चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। क्वाइन को उछाला जा रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इक्वल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सेम है, इसका मतलब इवेंट क्या है, सम प्रायिक घटना है या इक्वल लाइकली इवेंट है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, पहले आपको दे रखा है ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो ई इवेंट और उसके होने की प्रोबेबिलिटी। फिर उन्होंने कहा है प्लस ई इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के न घटने की प्रायिकता, और बीच में क्या लगाया, प्लस। क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, इक्वल टू वन। इसका मतलब पहले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या है बेटा, वन। फिल इन द ब्लैंक्स में कहा है कि कोई इवेंट या घटना के न होने की प्रॉबिलिटी, घटना हो ही नहीं, इवेंट हो ही नहीं, तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा बेटा, जीरो, ठीक है। जो इवेंट हुआ ही नहीं तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असंभव घटना, हिंदी में कहते हैं असंभव घटना और इंग्लिश में इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स बेटा और आपका ये दूसरा। तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स पे कहा है कि किसी इवेंट के होने की संभावना निश्चित है, होगा ही, तो वो उसकी प्रॉबिलिटी क्या होती है बेटा, उसकी होती है 1। तो ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो ऐसे इवेंट को, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं बेटा श्योर इवेंट, निश्चित घटना। बच्चों आपको अगले फिल इन द ब्लैंक्स में कहा है कि कोई प्रैक्टिकल हो रहा है, उसमें जितने एलिमेंट्री क्या हुए, इवेंट, प्रारंभिक जितनी भी घटना है किसी प्रयोग में होती है तो उनकी प्रायिकता का योग क्या होता है, तो बेटा क्या होता है, 1 होता है। आपको लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स में कहा है कि प्रोबेबिलिटी किनके बीच होती है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा ऐसा पढ़ाया था, है ना, इसकी बात करी थी मैंने, तो मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये छोटे का साइन है ना, 0 से बड़ी या फिर क्या होगी, इक्वल होगी। फिर यहाँ बताया था, फिर पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, 0 से क्या होती है, बड़ी और इक्वल होती है। अब दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स जब आप भरोगे तो इस पे चलना, 1 से क्या होती है, छोटी या फिर क्या होती है, इक्वल, तो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे तो 1 लिखना। तो
पहले प्लंजेंस का आंसर जीरो और दूसरे का क्या है बेटा वन। आपसे इस क्वेश्चन में कहा है कि हम एक कथन या सेंटेंस दे रहे हैं, आप बताइए ये समप्रायिक घटना को बताता है या नहीं, यह इक्वल लाइकली इवेंट है या नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार ड्राइवर है जो कार को चलाने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तो कार चलना प्रारंभ होगी या नहीं होगी। तो ये जो घटना है ये कौन सी घटना है ये बताना है, इक्वल लाइकली इवेंट है या नहीं। तो बेटा मैं कहूँगी इक्वल लाइकली इवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? कि कार चलने का इवेंट और कार न चलने का इवेंट, दोनों ही इवेंट में प्रोबेबिलिटियां समान नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जब कार चला रहा है ड्राइवर स्टार्ट करता है, कार में चाबी लगाई उसने स्टार्ट करा, जब उसने स्टार्ट करा तो यहाँ कार की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कार चलेगी या नहीं चलेगी। कार बहुत अच्छी स्थिति में है, एक बार में चाबी लगाई और कार स्टार्ट हो गई, तो कहने का मतलब अगर अच्छी स्थिति में कार है तो कार के चलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100%, 100% मतलब 1 हो गई। तो न चलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? न चलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। सवाल ही नहीं उठता वो नहीं चले, क्यों? क्योंकि कार बहुत अच्छी स्थिति में। तो दोनों ही स्थिति में प्रोबेबिलिटियां बराबर में ही आई, इसका मतलब ये इक्वल लाइकली इवेंट नहीं है। अब उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा क्या हो सकता है कि मान लो वो जो कार है वो बहुत और बहुत और बहुत घटिया स्थिति में है, खराब कंडीशन में, उसमें 100 बार चाबी लगाओगे लेकिन वो चलेगी नहीं, स्थिति खराब है, इसका मतलब न चलने की प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 100%, मतलब 1। तो चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा 0, वो तो चलेगी नहीं, वो तो बहुत बुरी स्थिति में, और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल नहीं आए, 0 1 के इक्वल नहीं आया, प्रोबेबिलिटी समान नहीं आई घटनाओं की। इसलिए ये जो इवेंट आपको दिया है वो इक्वल लाइकली इवेंट नहीं है, समप्रायिक घटना नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक बास्केटबॉल है जिसमें बॉल को डाला जा रहा है, तो आपसे कहा है बॉल को बास्केट में डालना या न डाल पाने के इवेंट को बताइए कि ये समप्रायिक है या नहीं, ये इक्वल लाइकली इवेंट है या नहीं। तो मैं आपसे कहूँगी कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बास्केटबॉल में यदि आप बॉल को डालने के लिए प्रोबेबिलिटी बात करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक बार में डाला बॉल डल गई, आपने 100 बार डाला बॉल डल गई, हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि आपने 100 बार बॉल डाली एक बार भी नहीं गई, इसका मतलब दोनों ही स्थिति में इक्वल इवेंट्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी समान नहीं आएगी, और यदि प्रोबेबिलिटी समान नहीं है तो वो समप्रायिक घटना या इक्वल लाइकली इवेंट नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कि प्रश्न है उसका आंसर ट्रू या फॉल्स है, तो आप बताइए ये इवेंट जो है वो क्या है, इक्वल लाइकली इवेंट है या नहीं, समप्रायिक घटना है या नहीं। तो मैं आपसे कहूंगी है। क्यों? क्योंकि बेटा सत्य आंसर पे टिक लगाते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2, असत्य पे टिक लगाते हो असत्य इवेंट की बात करते हो तब भी 1/2 ही होगी, मतलब दोनों ही इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे प्रायिकता निकालोगे वो समान है बेटा, वो कितनी है 1/2, 50-50%। और समान यदि प्रायिकता है घटनाओं की तो वो क्या कहलाती है, समप्रायिक घटना या इक्वल लाइकली इवेंट। इस कथन या सेंटेंस में आपसे कहा है कि एक परिवार में बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, तो लड़का या लड़की होने के इवेंट के बारे में आपको बात करनी है। तो बेटा ये जो इवेंट है ये समप्रायिक इवेंट या घटना है या नहीं ये बताना है, इक्वल लाइकली इवेंट है या नहीं ये पता करना है। तो बेटा मैं आपसे कहूँगी है, ये इक्वल लाइकली इवेंट या समप्रायिक घटना है। क्यों है बेटा? क्योंकि बेटा बच्चे का जन्म होता है तो या तो लड़की होगा या लड़का होगा, होगा तो लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, लड़का होने की प्रोबेबिलिटी 1/2,
और दोनों क्या आ गई प्रोबेबिलिटी इक्वल। इसका मतलब ये जो इवेंट है बेटा ये सम प्रायिक घटना या इक्वल लाइकली इवेंट है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि एक फुटबॉल का खेल हो रहा है, उसमें टीम पहले कौन सी बॉल लेगी ये निर्णय करना है। तो वो कॉइन को टॉस करके निर्णय करते हैं, सिक्के को उछाल कर निर्धारित करते हैं कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। तो ये करना, इस मेथड को यूज करना क्या सही है, न्यायसंगत है? तो हाँ, क्यों है बेटा? ये जो इवेंट है ये क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट, सम प्रायिक घटना। क्यों? क्योंकि इस इवेंट में दोनों टीमों को बराबर चांस मिलेंगे जीतने के। इसलिए ये कॉइन की जो मेथड है उसे अप्लाई करना सही है, न्यायसंगत है। आपसे इस क्वेश्चन में कहा है कि कौन सी इनमें से संख्या है जो किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, प्रायिकता नहीं होगी। तो बेटा ये होगा, क्यों? क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मैंने आपको बताया था ऐसा, याद होगा है ना? तो आप इसको पकड़ लीजिए, क्या था बेटा इसमें, प्रोबेबिलिटी जीरो के इक्वल हो सकती है, ठीक है? और फिर क्या होती है, जीरो से बड़ी होती है। जीरो के इक्वल हुई तब भी चलेगा, और जीरो से क्या होती है, बड़ी, ये नेगेटिव है। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा बेटा, बी, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, ऑप्शन बी आंसर है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में पीई दे रखा है, मतलब कोई इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बेटा ये दे रखी है। आपसे कहा है उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था बेटा, वन माइनस पीई कर दो, बस इसमें वैल्यू डाल दो। इसकी वैल्यू है 0.05, आप घटाओगे 0.95, आपका आंसर है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि एक बैग है जिसमें कैंडी रखी है, लेकिन कौन से फ्लेवर की कैंडी वो रखी है बेटा, लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी है। नींबू की महक वाली गोलियां रखी है मीठी, सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडी रखी है उसके अंदर, ठीक है? मालिनी ने बिना उसमें झाके बिना देखे बैग में हाथ डाला, ठीक है? और वो क्या निकालना चाहती है, वो निकालना चाहती है संतरे की महक वाली गोलियां, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालना चाहती है, ठीक है? तो उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा संतरे की गोलियां तो बैग में है ही नहीं, है ना? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो बैग में है ही नहीं। बैग में है क्या? बैग में सिर्फ बेटा नींबू की महक वाली लेमन कैंडी है। उसने बैग में हाथ डाला, वो चाहती है कि संतरे की गोलियां निकले, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकले, वो तो है ही नहीं। तो ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटनाएं, और उनकी प्रोबेबिलिटी बेटा जीरो होती है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, जीरो। अब बेटा नींबू की महक वाली गोलियों को निकालने की संभावना बताइए कि उसने बैग में हाथ डाला, लेमन कैंडी निकली, तो पूरी की पूरी उसमें लेमन कैंडी तो है ना? इसका मतलब ये इवेंट क्या, आप बैग में हाथ डालोगे सारी लेमन वाली निकलने वाली, नींबू की महक वाली ही गोलियां निकलेगी। इसका मतलब इवेंट क्या है, निश्चित इवेंट है, श्योर इवेंट है, और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, वन होती है, होना ही है। हाथ डालोगे लेमन कैंडी ही बाहर आएगी, दूसरी कैंडी आ ही नहीं सकती, क्योंकि सारी तो लेमन कैंडी है उस बैग में। तो ये श्योर इवेंट है, और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होती है, वन होती है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि तीन बच्चों का समूह या ग्रुप है जिसमें दो जो स्टूडेंट हैं वो उनका एक ही दिन बर्थडे या जन्मदिन नहीं आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। सेम दिन बर्थडे या जन्मदिन नहीं आने की प्रायिकता बेटा ये है, इसे मैं पी ए से बताया थी, है ना? तो एक ही दिन दोनों स्टूडेंट का बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो बेटा आपको एक ही दिन बर्थडे नहीं आने की दी है प्रॉब्लिटी, एक ही दिन बर्थडे आने की प्रॉब्लिटी पूछी है, उल्टी बात है ना? तो उल्टी बात कहिए तो वो कैसे निकालोगे? वन में से इस पीए को घटा दो, इस इवेंट की प्रॉब्लिटी को घटा दो, तो वन माइनस इसे घटाओगे 0.992। जब आप इसे घटाओगे आपका आंसर आएगा 0.008। और बेटा आपसे यही पूछा था। आपको इस क्वेश्चन में कहा है एक बैग है एक थैला है जिसमें लाल बॉले रखी है 3 और बेटा काली रखी है 5। ठीक है, सबसे पहले टोटल बॉल पता कर लेते हैं। टोटल बॉल्स वो कितनी होगी, 3 + 5 8 है ना, कुल गेंदे वो हो गई 8 है ना। उन्होंने आपसे कहा है कि बैग में हाथ डाला और लाल बॉल निकलने की प्रॉबिलिटी बताइए। ठीक है, पहली बात कही तो बेटा प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, अनुकूल घटनाओं की संख्या आपको यहाँ लिखना है, और टोटल केस कुल घटनाओं की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल केस और नंबर ऑफ टोटल केस, नंबर ऑफ टोटल केस यहाँ लिखोगे अनुकूल घटनाओं की संख्या और यहाँ नीचे कुल घटनाओं की संख्या। ये तो फॉर्मूला है जो हमने लिख दिया है ना, हर क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लिखना ही है। ठीक है, आगे आपको इसी तरह से फॉर्मूला लिख के ही आना है। अब क्या करेंगे, अब आपसे कहा है कि बैग में हाथ डाला और लाल बॉल निकाले उसकी प्रॉबिलिटी बताइए। तो बेटा देखिए फेवरेबल केस मतलब हम जो चाह रहे हैं वो कितना है, 3, रेड बॉल 3 है तो रेड बॉल हो गई, इसे आर से बताती हूँ, आर का मतलब रेड बॉल और उसकी प्रॉबिलिटी है ना, तो वो कितनी है बेटा, रेड बॉल 3 है तो फेवरेबल केस अनुकूल घटनाएं 3 है। ठीक है, और फिर क्या आता है बेटा, टोटल केस नीचे टोटल केस आते हैं तो टोटल बॉल्स कितनी है 8, तो अकाउंट में क्या आएगा 8, और ये रेड बॉल की प्रॉबिलिटी आ गई। अब उन्होंने कहा है सेकंड में कि रेड बॉल नहीं निकले उसकी प्रॉबिलिटी क्या है, तो अगर बैग में हाथ डाला रेड नहीं निकले तो कौन सी बॉल निकलेगी, वो निकलेगी बेटा फिर ब्लैक बॉल। ठीक है, तो बी का मतलब ब्लैक बॉल और पी का मतलब प्रॉबिलिटी, रेड नहीं निकले तो क्या निकल के आने वाली है, ब्लैक, तो अब फेवरेबल केस कितना हो गया बेटा 5, अनुकूल घटनाएं 5 और कुल घटनाएं कितनी है बेटा 8 है ना, और ये आपकी रेड बॉल नहीं निकलने की प्रॉबिलिटी, रेड नहीं निकल रही मतलब कौन सी निकल के आ रही थी, ब्लैक बॉल, ये ब्लैक बॉल की प्रॉबिलिटी भी कहला सकती है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि एक बैग है जिसमें मार्बल्स रखे हैं, रेड मार्बल्स रखे हैं 5, वाइट मार्बल्स रखे हैं 8 और ग्रीन मार्बल्स रखे हैं 4। तो उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, बहुत सारी प्रॉबिलिटी पता करना है। सबसे पहले टोटल मार्बल्स निकालते हैं, कुल कंचों की संख्या सबको जोड़ दो, 5 + 8 + 4 5 + 8 + 4 17 आया है ना। अब बेटा प्रॉबिलिटी का ये फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिख कर ही आना है, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केस, अनुकूल घटनाओं की संख्या अपॉन या बटे कुल घटनाओं की संख्या। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेड मार्बल निकलने की प्रॉबिलिटी बताइए, लाल कंचे बैग में से निकालने की प्रायिकता बताइए, पी का मतलब प्रायिकता प्रॉबिलिटी और किसके लिए बेटा, रेड मार्बल के लिए है ना, तो रेड मार्बल है कितने, रेड मार्बल है 5,
ये हमारे फेवरेबल केस हो गए पांच। नीचे क्या लेना है, टोटल केस कुल लेना है, टोटल फुल कंचे कितने हैं 17। ये आ गई आपके रेड मार्बल की प्रॉबिलिटी, है ना। अब सफेद कंचे वाइट मार्बल उस बैग में से निकालने की प्रॉबिलिटी निकालना है। तो पी का मतलब प्रॉबिलिटी, कौन से मार्बल्स निकाल रहे हैं, वाइट, तो डब्ल्यू से बताते हैं उस इवेंट को, वाइट मार्बल्स निकालने की प्रायिकता या प्रॉबिलिटी। ठीक है, ऊपर क्या आते हैं, फेवरेबल केस आते हैं, अनुकूल घटनाएं, हमें सफेद चाहिए। ठीक है, तो सफेद मार्बल्स कितने हैं, 8, तो ऊपर 8 आएगा। नीचे क्या आएगा बेटा, टोटल मार्बल्स, कुल मार्बल्स कितने हैं, 17। ये आ गई आपकी प्रॉबिलिटी। अब कह रहे हैं कि थैले में आप हाथ डालते हो, ग्रीन मार्बल्स नहीं निकलने चाहिए। बेटा ग्रीन नहीं निकलने चाहिए, तो जी का मतलब ग्रीन, हरे, और उसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, ये ऐसा, ये साइन क्या बताता है, नॉट को। हरे मार्बल्स नहीं निकले, उसकी प्रायिकता निकालना है। तो बेटा हरे नहीं निकलेंगे मतलब क्या नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, तो बेटा ये दोनों तो निकल सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये बाहर आ सकते हैं। तो 5 + 8 आपके हो गए फेवरेबल केस, है ना। और टोटल कितने हैं, कुल घटना है या कुल कंचे कितने हैं, 17। इनको जोड़ोगे 13/17 आपकी प्रॉबिलिटी है। बच्चों आपसे कहा है कि एक पिग्गी बैंक है, बच्चों की छोटी सी गुल्लक है जिसमें सिक्के डले हुए हैं। उन्होंने आपसे कहा है कि 50 पैसे के कॉइन उसमें डले हैं 100, 1 रुपए के कॉइन डले हैं 50, 2 रुपए के कॉइन डले हैं 20, और बच्चों 5 रुपए के कॉइन डले हैं 10। जब उस पिग्गी बैंक को हिलाया और उल्टा करा तो उसमें से एक सिक्का निकल के बाहर आ गया। तो आपसे पूछा है क्या प्रॉबिलिटी है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, और क्या प्रॉबिलिटी है कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। तो बेटा हम सबसे पहले टोटल सिक्के पता कर लेते हैं, 100 + 50 + 20 + 180, 100 + 50 + 20 + 10, है ना, 10। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, सीधे लिख ले, 180 आएगा। टोटल हमें पॉइंट पता चल गए उस पिग्गी बैंक में कितने हैं। अब उन्होंने कहा जब उसे हिलाया और सिक्का गिरा तो वो कितने का होना चाहिए, 50 पैसे का हो, उसकी प्रॉबिलिटी बताओ। तो ऐसे बताए थे बेटा इसको, पी का मतलब प्रॉबिलिटी, ए का मतलब इवेंट, कौन सा इवेंट, ये वाला। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल केस, अनुकूल घटनाओं की संख्या, 50 पैसे के कॉइन है कितने, तो बेटा 50 पैसे के कॉइन तो 100 है, तो फेवरेबल केस हमारे कितने हैं, 100, है ना। और नीचे क्या आते हैं, टोटल केस आते हैं, कुल घटनाएं कितनी है, कितने हैं टोटल कॉइन, 180, है ना, नीचे टोटल आता है। 0 से 0 कैंसिल, ये बेटा 10/18, 2 के टेबल से कैंसिल बेटा, तो आपको प्रॉबिलिटी क्या मिली, 5/9। सेकंड वाले ने कहा है बेटा कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, तो इसकी प्रॉबिलिटी निकाले। तो 5 रुपए का नहीं होना चाहिए मतलब ये नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी गिर के आ सकता है इनमें से, है ना। तो इन सबको जोड़ दो तो वो आपके फेवरेबल केस हो जाएंगे, अनुकूल घटनाएं। 100 + 50 + 20, और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा आपका टोटल केस, कुल घटनाएं, कुल सिक्के कितने हैं बेटा, 180। आप इनको जोड़ोगे, 170/180। 0 से 0 कैंसिल, आपकी प्रॉबिलिटी आई बेटा 17/18। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि एक जल कुंड है, एक्वेरियम है, जिसमें फिश रखी हुई है, और फिशों की संख्या किस तरह से है कि मेल फिश 5 है, नर मछलियों की संख्या 5 है, फीमेल फिश मादा मछलियों की संख्या 8 है।
बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि एक जल कुंड है, एक्वेरियम है, जिसमें मछलियाँ रखी हुई हैं और वो कैसे रखी हुई हैं कि मेल फिश नर मछलियों की संख्या 5 है, फीमेल फिश मादा मछलियों की संख्या 8 है। तो उन्होंने कहा कि गोपी उन मछलियों में से कोई एक मछली निकालती है किसी को देने के लिए, तो क्या संभावना है, क्या प्रॉबिलिटी बनेगी कि वह नर मछली होगी, फीमेल फिश होगी, उसकी प्रॉबिलिटी आपको निकालना है। तो सबसे पहले टोटल फिश निकालेंगे, कितनी है, कुल मछलियों की संख्या दोनों को जोड़ दो, 5 + 8 जोड़ोगे कितना आया, 13। अब बेटा ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, अनुकूल घटनाओं की संख्या, हम जो चाह रहे हैं वो घटनाएं कितनी हैं। तो बेटा हम चाह रहे हैं नर मछली मेल फिश, तो मेल फिश कितनी है बेटा, 5, तो वो कहाँ आएगा, ऊपर, है ना, प्रॉबिलिटी को पी ए से बता दें। और नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ केस, कुल घटनाओं की संख्या, तो कुल मछलियाँ कितनी है, टोटल है बेटा आपकी 13, ठीक है। और इस तरह से आपसे पूछी गई प्रॉबिलिटी 5/13 है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि एक गेम हो रहा है जिसमें 1 से लेके 8 तक के नंबर हैं, तो बेटा मैंने 1 से लेके 8 तक के नंबर लिख लिए, इन्हें सैंपल स्पेस कहा जाता है, मैंने ऐसे बता दिया। अब उस गेम में 1 से लेके 8 तक के नंबर हैं, जब उसे घुमाया जाता है तो उसमें बना एरो तीर का निशान 8 पॉइंट पे जाके रुक जाए, 8 पे जाके पॉइंट करे, इंडिकेट करे प्रदेश। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है, बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि एक गेम हो रहा है, एक खेल है जिसमें 1 से लेके 8 तक के नंबर हैं, तो मैंने यहाँ लिख लिया 1 से लेके 8 तक के नंबर, और इन्हें कहा जाता है सैंपल स्पेस, मैंने ऐसे बता दिया। अब उन्होंने आपसे कहा है कि जब उसको घुमाया जाता है, उस गेम में जो व्हील लगा है उसे घुमाया जाता है, तो जो एरो है वो 8 अंक पर जाके रुके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा आपने ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केस। फेवरेबल केस मतलब हम जो चाह रहे हैं वो घटना, तो बेटा हम क्या चाह रहे हैं, 8 चाह रहे हैं, वो कितना है, 1, तो फेवरेबल केस अनुकूल घटना 1 है, और नंबर ऑफ टोटल केस कुल घटना, तो कुल घटना कितनी, गिनी कितनी है, 8, है ना। तो आपकी प्रॉबिलिटी क्या है बेटा, 1/8। बच्चों अब आपसे कहा है कि वो जो तीर का निशान है वो कहाँ, विषम संख्या ऑड नंबर पर जाकर टिके, ठीक है। तो ऑड नंबर देखो कितने होते हैं, यहाँ पे है 1 है 3 है 5 है और 7 है, तो ऑड नंबर लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7। तो क्या प्रॉबिलिटी है बेटा कि वो ऑड नंबर या विषम संख्या पर टिकेगा, वो बताना है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अनुकूल घटना, हम जो चाह रहे हैं वो, तो हम ऑड नंबर पे टिके वो चाह रहे हैं, वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 घटनाएं हो सकती है, तो ऊपर क्या आएगा, 4। नीचे नंबर ऑफ टोटल केस कुल घटनाओं की संख्या, तो कुल कितने हैं बेटा, ये 8, है ना। 4 के टेबल से कैंसिल करो, आपसे पूछी गई प्रॉबिलिटी 1/2 है। बच्चों आगे आपसे कहा है कि तीर जो है दो से बड़ी संख्या पर क्या करे, जाके टिके, तो दो से बड़ी संख्या कौन कौन सी है देख लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो दो से बड़ी संख्या पर जाकर टिके तो उसकी प्रॉबिलिटी आपको बताना है। तो बेटा दो से ग्रेटर बोला है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस अनुकूल घटनाओं की संख्या, हम क्या चाह रहे हैं वो घटनाएं कितनी है, 2 से बड़ी संख्या चाहिए, तो 2 से बड़ी संख्या गिनो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 6 हो गए।
हम जो चाह रहे हैं क्वेश्चन में वो अनुकूल घटनाएं कितनी हुई, छह। नीचे क्या बोला है, नंबर ऑफ टोटल केस, कुल घटनाओं की संख्या, तो कुल कितनी है, एक से लेके आठ तक, आठ ही है ना। टू के टेबल से कैंसिल कर दो। आपसे पूछी गई प्रोबेबिलिटी 3/4 है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि जो तीर है वो क्या 9 से छोटे नंबर पे जाके टिके, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बेटा 9 से छोटे नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, वो तो सारे हैं, सभी 9 से छोटे हैं, तो सारे लिख दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सारे लिख दिए। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वह तीर का निशान, वो एरो 9 से छोटे नंबर पर जाके टिके, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, अनुकूल घटनाएं जो हम चाह रहे हैं, 9 से छोटे नंबर चाह रहे हैं वो कितने हैं बेटा, गिनिए, आठ है ना। नीचे क्या आते हैं, नंबर ऑफ टोटल केस, कुल घटनाओं की संख्या, वो कितनी है बेटा, गिनिए, वो भी आठ है ना। कैंसिल कर दिया। आपसे पूछी गई प्रॉब्लम 1 है,